भागवत कथाकार श्रीमान लाल गोविंद जी जो मेरे शिक्षा गुरु हैं, उनको एक माँ की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। मैंने 2006 में इस्कॉन ज्वाइन किया था। जब मैंने आपकी कथा सुनी तो मैं खींचती चली आई, कथा की भागवत की ओर खींचती चली आई, और जिधर जिधर भी आपकी कथा होती थी उधर भागती रही, सुनती रही। और प्रभु जी आपका भागवतम प्रस्तुत करने का जो ढंग है वो अद्भुत है, अलौकिक है। जैसे एक बच्चे को बचपन से ABCD सिखाते हैं, वैसा आप भागवतम के हर एक श्लोक के शब्द इतना स्प्लिट करके अच्छी तरह से समझाते हैं, उसका अर्थ समझाते हैं प्रभु जी। ये आपकी तरीका मैंने और ये सुना था कि धरती छोड़ते समय ग्रंथ भागवतम में समाविष्ट हो गए, और एक ग्रंथ भागवत सुना था मैंने कि भक्त भागवत से ही सुनना चाहिए। तभी ना ये मैंने आपसे ये किया, लला आप तो साक्षात महाभागवत हो, जो आपने भागवतम का पूरा रसमलाई को पीकर दुनिया भर लोगों को आपने भक्ति में अपनी ओर भागवतम की ओर आपकी कथा की ओर आकर्षित किया है और आपके भक्त बन गए। ये तो मैंने अपने आंखों से कि आपको भगवान की तरह मानते, ये मैंने आपको अपनी आंखों से देखा है। और क्योंकि आपकी भागवत सिखाने का जो तरीका है ना वो बहुत ही सरल है। वैसे तो भागवत बहुत टफ है, टफ है सब लोग बोलते थे, लेकिन जब से आपकी भागवत कथा सुनी आपका सिखाने का जो तरीका है ये है कि भक्ति कैसे करनी है, शुद्ध भक्ति क्या है, भगवान कृष्ण को क्या पाना, कैसे पाना है, प्रेमा भक्ति क्या है, तो आपने तो इतना सरलता से सिखाया हम कि सुनवंती गायंती स्मरंती, ये तीन चीज करो, कोई विधि विधान की जरूरत नहीं, ये आपने हमें सिखाया प्रभु जी। और कृष्ण के लिए रोना ही प्रेमा भक्ति है। जब कृष्ण के स्मरण गायंती स्मरंती गाते 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 कृष्ण की गुण गाते गाते जब शरीर पुलकित होता है, कंठ गदगद होता है और आंखों में पानी आता है, वही प्रेमा भक्ति है, ये आपने हमको सिखाया प्रभु जी। और आपने एक अच्छी बात ये सिखाई प्रभु जी, भगवान के भागवत का और वेदों का प्रतिपाद्य विषय है कृष्ण। कृष्ण को हम अपनी 100% चीज देना चाहिए, यह आपने हमको सिखाया। अपनी सब कुछ तो भगवान का दिया हुआ है, अपनी 100% चीज क्या है प्रभु जी? जब मैंने क्वेश्चन किया तो आपने बोला अपनी हृदय का भाव को शब्द रूप में भगवान को देना है, मीन्स उसका अपना भाव से उनके ये करना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है, यही भाव भगवान को देना है, ये बात आपने सिखाया है। और प्रभु जी आप तो साक्षात महाभागवत हो, ये मैंने देखा कि ग्रंथ भागवत तो ये आपसे सीखने को मिला है, हमारा वो भाग्य है और सीखने को मिला। और दूसरी बात ये है कि आप तो दुनिया भर का ये भागवतम का रस पिला पी कर सारी दुनिया को पिलाया है, ने अपनी ओर आकर्षित किया लोगों को। अभी परसों लंदन यात्रा में तो मैंने तो देख लिया है कि पूरा लोग आपके इतना भक्त बन गए कि शुद्ध कि भगवान की तरह आपको दंडवत कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, इनसे ये आप चमत्कार और ये सब देख के बहुत खुशी बहुत प्राउड फील करती हूँ प्रभु जी। ये गोपीनाथ ने हमें आपको आप तो पारसमणि की तरह हो, तो जिसको भी आप टच करते हो वो शुद्ध आपका वो शुद्ध भक्त बनने पर मजबूर कर देते हो। इतना ये सब मैंने देख लिया है आपके इतने 18 साल के आपके
इसमें संग में देखकर आपकी कथा सुनकर ये सब देख लिया। आपका बेस्ट पार्ट और एक है प्रभु जी कि आपको आप सब मेरे जैसे बूढ़े बहुत से हरेक माँ बाप को यात्रा कराते हो, आप भागवत कथा भी सुनाते हो, यात्रा भी कराते हो और साइट सीइंग भी कराते हो और उनको अपना टाइम भी देते हो। ये तो आपका बेस्ट पार्ट है प्रभु जी। आपका ज्ञान गोपीनाथ ने ऐसा ज्ञानी सुंदर एक श्रवण कुमार के जैसा बेटे को हमारे झोली में आप डाल दिया है। अभी एक साल पहले या डेढ़ साल पहले 250 कथा की अपनी गोपीनाथ टेंपल में भक्ति वेदांत हॉल में आपको ट्रॉफी दिया था, मिला था। तभी आपने बोला था मेरे को 500 कथा होगी क्या माता जी, मेरे को पूछा था आपने। मैंने बोला 500 नहीं 1000 होगी। प्रभु जी आपको शीघ्र ही 500 का भी ट्रॉफी गोपीनाथ देंगे और धीरे धीरे आपको 1000 का कथा का भी ट्रॉफी देंगे। ये मेरा आशय है ये। और ऐसे प्रभुपाद की, क्योंकि आप प्रभुपाद का मिशन लेके दौड़ रहे हैं, प्रभुपाद का हरेक गुरु महाराज का और हरेक माँ बाप का आपको ब्लेसिंग है प्रभु जी। उनकी इच्छा और ऐसा अवसर गोपीनाथ आपको टिल एटर्निटी तक दे कि ताकि यंग जनरेशन भक्ति में आए। और ऐसा ही आपका ये चलता रहे। और प्रभु जी मेरी ओर से आपको लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग। और हमेशा मैं प्रार्थना गोपीनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही लोगों को कथा कर ऐसा महान कथाकार बने, पूरी दुनिया देशों विदेश में छा जाए। यही क्योंकि लॉकडाउन में तो आप तो छा ही गए हैं पूरी दुनिया में, कि लॉकडाउन तो एक वरदान ही साबित हुआ हम लोगों को, क्योंकि लॉकडाउन में सब लोग 2-3 साल घर में बैठे थे। आपकी कथा की ओर जाने का तो सवाल ही नहीं था, भागने का सवाल ही नहीं था, लेकिन आपने ऑनलाइन कथा, भगवान ने गोपीनाथ ने आपको ऑनलाइन कथा चालू करा दिया। ये तो बेस्ट पार्ट है। इसकी वजह से पूरा देश विदेशों में आप छा गए। ये तो ऐसे ही कथा करते रहिए और लोगों का प्यार पाते ही रहे और आशीर्वाद भगवान का, प्रभुपाद का आशीर्वाद पाते ही रहे। हरे कृष्ण।